पानीपत में शहर के विकास को लेकर एक मामला सामने आया है कि मुख्यमंत्री अनाउंसमेंट के तहत 1 करोड़ का बजट आ गया है, पर निगम अधिकारी नेशनल हाईवे से 5 महीने में भी एनओसी नहीं ले सके। इससे भी बड़ी कमाल की बात यह है कि ठेकेदार ने जिला सचिवालय के सामने तो सड़क बना दी, लेकिन आम लोगों को एनओसी ना होने का हवाला दे दिया, जिसका नतीजा ये है कि लोग रोजाना गिरकर घायल हो रहे हैं। पानीपत शहर के बीजेपी विधायक और मेयर से शहर के लोग उम्मीद करते हैं कि हमने आपका साथ दिया, अब आपकी बारी है, पर विधायक और मेयर की बेबसी ये है कि नगर निगम की गाड़ी पटरी पर तो है पर स्पीड कभी नहीं पकड़ सकी। ताजा मामला शहर के पुराने जीटी रोड के दोनों ओर की सर्विस लेन का है। सीएम अनाउंसमेंट थी कि 1 करोड़ से शहर की सर्विस लेन की रिपेयर कराई जाएगी। 6 महीने पहले 1 करोड़ का बजट भी आ गया, पर 5 महीने से निगम अधिकारी हाईवे होने के कारण एनएचआई से एनओसी ही नहीं ले सके। नतीजा, प्रभावित दुकानदार गुस्से में हैं। कई बार यहाँ गिर जाते हैं, मोटरसाइकिल वाले भी गिरते हैं, गड्ढे बहुत डूबे डूबे हो रहे, मिट्टी डाल के भाग जाते हैं। वो तो अभी मिट्टी डाल दी, रोड डाल दिए भाई। कोई मोटरसाइकिल वाला है, स्कूटर वाला है, गाड़ी वाला है, छिनते जाते हैं सीधे दुकान पे, यहाँ पे और क्या है, इसीलिए डलवानी पड़ी। अब ये सड़क तो बना दी, बनाने के बाद ये जो पहले मिट्टी तो बिठाई नहीं इन्होंने। गौरतलब है कि निगम अफसरों ने बिना एनओसी के जिला सचिवालय के आगे तो सर्विस लेन शानदार बना दी, एक आध जगह और भी, पर आम लोगों के लिए सूचना ये कि एनओसी का इंतजार है, 5 महीने हो गए। निगम के एक एमई ने एससी के सामने बेबसी जताई कि सर सारी कोशिश कर ली, अब तो प्रधानमंत्री तक ही बात पहुंचानी बाकी है। ये दलील निगम अफसरों की काबिलियत और कार्यकुशलता दिखाती है। आप बता रहे हैं तो मैं आपको कंफर्म करके अभी कल तक बताती हूँ, चाहे मुझे एनएचए वालों से बात करनी पड़े तो मैं तुरंत उनसे बात। देखिए, यहाँ पे मैंने मोस्टली ये देखा कि ठेकेदारों के पास कोई स्टाफ ही नहीं है, कोई उनके पास जेई टाइप के आदमी नहीं है, कोई परमानेंट स्टाफ नहीं है, कोई मिस्त्री नहीं है। मुझे तो ये लगता है अगर इनको 500 मीटर की सड़क बनानी होती है तो ये फर्दर कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। रेत बिछाने वाला अलग है, गिट्टी बिछाने वाला अलग है, टाइल बिछाने वाला अलग है। इनके पास अपना कोई टेक्निकल आदमी नहीं है, कोई लेवल देखने वाला आदमी नहीं है, स्थिति बड़ी अजीब है। इधर सीएम दिल्ली चुनाव से लौटकर चंडीगढ़ पहुंच गए हैं, अब प्रदेश के बजट की तैयारी में लग गए हैं। सीएम साहब, जरा ये भी पता लगाएं कि मैंने 1 करोड़ तो भेज दिया पर नगर निगम के बाबू 5 महीने से हाईवे अथॉरिटी से एनओसी ही नहीं ले सके, बेचारी जनता। सहयोगी दीपक त्यागी के साथ वीरेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।